আসমি সকালের মেকআপ নিয়ে এসেছি দুর্গা পূজা স্পেশাল মেকআপ টিউটোরিয়াল আর ইয়ে মেকআপ টিউটোরিয়াল হ্যাঁ দুর্গা পূজা আসমি ডে মেকআপ তো চলিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে হুম দুর্গা পূজা আসমি ডে মেকআপ আর ইয়ে মেকআপ বহুত হি ইজি আর বহুত হি অ্যাফোর্ডেবল হোগা जो सभी कोई बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दुर्गा पूजा अष्टमी मेकअप की भावे खूब भालो तैयारी हुए अष्टमी अंजलि दीते जाबो आमरा चलो स्टार्ट करी तुम्हारे संगे अष्टमी अंजलि मेकअप। फर्स्ट मैं अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी वाइप से क्लीन करने के बाद मैं टोनर यूज़ करूँगी। मैं रोज़ का टोनर यूज़ करती हूँ, गुलाब जल टोनर। उसके बाद लिप को भी हाइड्रेट कर लूँगी, फिर मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी। ये मैं निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। अब मैं न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी। डे मेकअप है अष्टमी का तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ही मस्ट है, इसे स्किप मत करिएगा। ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑयली नहीं करता फेस को। अब मैं अपने ओपन पोर्स को फिल करने के लिए और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर अप्लाई करूंगी। ये इनसाइट का प्राइमर है। प्राइमर लगाने से फेस में एक स्मूथ बेस आ जाता है और मेकअप काला भी नहीं पड़ता। अब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पे। और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर लीजिएगा, ड्राई मत लीजिएगा ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई करने से पहले हमेशा उसे अच्छे से भिंगो के और पूरे अच्छे से गाड़ लीजिएगा, उसमें पानी ना हो और ना ही ज़्यादा सूखा हो। अब मैं हाईलाइट करने के लिए स्विस ब्यूटी के कंसीलर का अप्लाई करूँगी। फेस को हाईलाइट करने के लिए हमेशा कंसीलर अपने कॉम्प्लेक्शन से एक शेड लाइट लेना चाहिए और मैं ब्रश की हेल्प से उसे डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी। कंसीलर को कभी भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे हम फाउंडेशन को स्प्रेड करते, उसे हमेशा उसी जगह पे डैब डैब करके उसे ब्लेंड करना चाहिए। उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करने के लिए इनसाइट का बनाना लूज पाउडर है, इसे ही मैं अप्लाई करूँगी और कंसीलर जहां लगाई हूं वहां पे लूज पाउडर को लगा लूंगी और एक मिनट के बाद ब्रश की हेल्प से उसे साफ कर लूंगी। फिर पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अप्लाई कर लूंगी। इस तरह से मेरा एक बेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बेस को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर को अप्लाई करूंगी और मेकअप फिक्सर से अपने बेस को फिक्स कर लूंगी। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी। इसके लिए मैं आज आई शैडो पैलेट यूज़ करूंगी। आई शैडो पैलेट से ही ब्लैक एंड ब्राउन कलर को लेते हुए, ये देखिए ब्रश का शेप, इस तरह के शेप वाली ब्रश से ही आईब्रो को फिल किया जाता है। कोई भी बंगाली मेकअप या बंगाली लुक में आईब्रो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए आईब्रो को अच्छे से फिल करिएगा। इसे ओवरड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ फिल करना है। अब मैं सेम आई शैडो पैलेट से ये मैरून कलर लेते हुए अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई करूँगी। आज मैं कोई भी सिमरी कलर नहीं लूँगी। फिर से मैं इसी आई शैडो पैलेट से ये गोल्डन कलर लेते हुए इस मैरून कलर के साथ मैं ब्लेंड करूँगी। दोनों कलर को ब्लेंड करने के बाद मैं जो प्रोडक्ट ब्रश में एक्स्ट्रा है उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट करूँगी। अच्छे से स्मोक आउट करके फिर मैं काजल अप्लाई करूँगी और उसे एक ब्रश की हेल्प से स्मज करूँगी। बंगाली लुक लाइनर के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता, तो चलिए मैं भी लगा लेती हूँ लैक्मी। मैं आईलाइनर में विंग्स निकाली हूँ, तो दोनों साइड मेरा लाइनर लगाना कंप्लीट हो गया है। अब मैं फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी। इसके बाद मैं ब्लू हेवन का मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारे को फॉल्स लेसेस और ओरिजिनल लेसेस को मिलाते हुए अच्छे से लगाऊंगी। मस्कारा लोअर लेसेस में भी लगाऊंगी। अब मैं उसी सेम आई शैडो पैलेट से पिंक और मैरून कलर का लाइट कलर लेके मिलाते हुए फिर ब्लश अप्लाई करूंगी उसी सेम आई शैडो पैलेट से। इसके बाद स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर लूंगी और उसे अपने चिक बोन पे, नोज़ पे, आईज़ पे अप्लाई करूंगी।
अब मैं मैरून कलर का, डार्क मैरून कलर का लिक्विड लिपस्टिक लूँगी और उसे पहले लाइन ड्रॉ करूँगी पूरे लिप पे। लाइन ड्रॉ करने के बाद लिप पे फिल करूँगी लिपस्टिक को। तो मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ। अब मैं करूँगी हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल के लिए मैं बीच से पार्टीशन करूँगी, दोनों साइड से थोड़ा सा हेयर छोड़ूंगी और पीछे से हेयर को उठाकर बैक कॉम करूँगी और बॉबी पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लूँगी। और जो भी बचे हुए बाल है पीछे, मैं उसे क्लचर से उसे एक जगह कर लूँगी जिससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो। अब मैं जो सामने का बाल है उससे थोड़ा सा बाल लेकर उसे गोल गोल घुमाते हुए बॉबी पिन से सिक्योर करूँगी पीछे ले जाकर। फिर थोड़े से बाल जो बचे हैं उसे भी मैं पीछे ले जाऊंगी गोल गोल घुमाते हुए, दोनों तरफ इसी तरह करूंगी और सामने से थोड़ा थोड़ा एंटीना निकाल लूंगी। और जैसा सिंपल जूड़ा बनाते हैं वैसा ही सिंपल जूड़ा बना के मैं फिर एक गजरा लगा लूंगी। तो अब मेरा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हुआ। अब मैं सिंदूर और बिंदी भी लगा ली, झुमका भी पहन ली हूँ। अब मैं ये सेट पहनूंगी जो मैं मीशो से मंगवाई हूँ। तो इस तरह मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हुआ। अब मैं मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को एक बार सेट कर लूँगी जिससे मेरा मेकअप बहुत देर तक टिका रहे, ख़राब ना हो। अब मैं ये रेड कलर का चूड़ी पहन ली। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा दुर्गा पूजा अष्टमी डे स्पेशल मेकअप? कैसा लगा आप लोग को मेरा ये बंगाली लुक? प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। অন্ধকার